शुक्रवार को भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर काफी गहमा गहमी का माहौल था। दरअसल कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचा था। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की। पार्टी पूरी दुनिया में बदनाम है कि वो संविधान का पालन नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी का मोटिव है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, चाहे उसके लिए हमारी शहादत क्यों नहीं हो। पूरे देश में जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। सर्विस बुक की अवहेलना करना, सर्विस बुक की का उल्लंघन करना, कर्मचारी अधिकारियों ने एक तरह से अपनी हॉबी बना ली। कांग्रेस पार्टी ने आज जो कल की घटना है, एक टीआई ने निजी आयोजन करवा दिया थाने के अंदर। हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी पूरे थानों में एक साथ अपना अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं, या फिर सर्विस बुक का पालन करें, सर्विस बुक एक अधिकारी को शपथ लेकर पालन करने की अनुमति देती है। अगर सर्विस बुक का पालन करना है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो, सस्पेंड करो, या फिर आपको आयोजन करने की अनुमति सही दिखती है तो फिर हमें भी, कांग्रेस पार्टी को भी, सारे थानों में एक साथ भोपाल के आयोजन करने की अनुमति दो, सुंदरकांड करने की अनुमति दो। इस मुलाकात को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में थाना प्रभारी को भी नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जिसमें कल की घटना को लेकर के ज्ञापन, इसमें कल थाना क्षेत्र एक थाना स्तर पर एक अनुमति दी गई। सामान्य तौर पर थानों में, कई थानों में जहां बहुत सारे मंदिर हैं, मजार हैं, अनेक दूसरे कई जो धार्मिक स्थल हैं, उस तरह के स्थल पूर्व से थानों में मौजूद हैं, इन जगहों पे आयोजन होते हैं, लेकिन इन जगहों पे निजी व्यक्तियों को समानता अनुमति नहीं दी जाती है। तो थाना प्रभारी के स्तर पर ये त्रुटि हुई थी और इससे ये थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एक ज्ञापन दिया इस दौरान भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे।